अयोध्या के रामलीला कमेटी के मुख्य संरक्षक परवेश वर्मा जी हैं, जो दिल्ली से सांसद भी हैं। परवेश जी, ये जो आपने ऐलान किया है जो अयोध्या में रामलीला होगी, इसका मुख्य आकर्षण क्या होगा? देखिए, इसमें कोई एक आकर्षण हो तो मैं बताऊं, इसमें बहुत सारे मुख्य आकर्षण हैं। सबसे बड़ा आकर्षण है कि ये रामलीला अयोध्या में हो रही है, जहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। दूसरा मुख्य आकर्षण ये है कि ये 100% ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चैनल और मीडिया के माध्यम से ही लोग इसको देख पाएंगे। तीसरा आकर्षण यह है कि ये 14 भाषाओं में इसका प्रसारण होगा, तो केवल नॉर्थ इंडिया के लोग ही नहीं, साउथ इंडिया के भी और पूरे दुनिया में जहाँ पर भी भारतीय रहते हैं, सब लोग इसको देख पाएंगे। फिर इसमें आकर्षण ये है कि इसमें जो कलाकार हैं उनको हम इतना देख कर लाए हैं कि सब बहुत अनुभवी हैं, सब की कला का अनुभव उनका बहुत ज़्यादा है। और इसमें बहुत सारे हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं, हमारे जाने माने कलाकार हैं, जो इसमें वहाँ पर अभिनय करेंगे। प्रवेश जी, एक और बात इम्पॉर्टेंट ये होती है कि इस बार शायद कोरोना की वजह से पब्लिक का वहाँ पहुँचना या आमंत्रित नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो क्या इससे थोड़ा सा जो बहुत बड़ा एक एक्सपेक्टेशन बन रहा है उसमें थोड़ा सा खलल पड़ेगा? नहीं, ये तो हमें मालूम ही था कि नहीं होगा, ये तो सोच के ही हम रामलीला कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने ही सोचा था कि वहाँ पर 100,000 लोग आएंगे, तो हमको कोई धक्का नहीं लगा। हमें डे वन से पता था कि लोग नहीं आ सकते और ये भी कोरोना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। हम 100% डे वन से ही कि इस सारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही लोग इसको देख पाएंगे, ये सोच कर ही चले थे। अच्छा परवेश जी, आपने कहा कि आपको लोगों ने क्या ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आप कोई रोल अदा करेंगे, यदि आपको बाय डिफ़ॉल्ट यदि कोई रोल प्ले करना होता तो कौन सा रोल आपके लायक होता जो आपको समझ आती है? अगर मेरा शरीर थोड़ा सा और मोटा होता तो मैं हनुमान जी का रोल करता, वो मुझे बेहद प्रिय है। परवेश जी, आज दीनदयाल उपाध्याय जी के 104th बर्थ एनिवर्सरी भी है, आज आप लोग दिल्ली में भी वो फंक्शन मनाया जा रहा है, आपका संदेश? देखिए, हम सबके प्रेरणा स्रोत हमारी पार्टी के संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन की वजह से हम काम कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि उनको भी उनके जीवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज हम सब ने उनके मूर्ति पर जाकर पुष्पांजलि की, और उसी के साथ ही आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में संबोधित किया, उनका मार्गदर्शन किया। परवेश जी, आप यंग टर्क माने जाते हैं, इंडियन पार्लियामेंट में बीजेपी के लिए बहुत जुझारू नेता माने जाते हैं, बिहार में इलेक्शन जस्ट अनाउंस हुआ है, 3 फेज में ये इलेक्शन होना है, अभी इलेक्शन कमीशन जी के ऑफिस के ये इन्फॉर्मेशन आई है। आपने 2 मेजर बिल अभी ये मानसून सेशन में पास किए, एक किसानों का, आप किसान के बहुल्य इलाके से भी आते हैं, नजफगढ़ एरिया आपका भी है, और आप शायद किसान के बारे में उतना ही ज़्यादा जागरूक हैं और इस डिसीजन के बारे में, और दूसरा कि जो लेबर लॉ है, दोनों अंत्योदय के दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से मेल खाती हैं। देखिए, अगर मैं पहले लेबर लॉ की बात करूँ तो हम सभी जानते हैं कि जो फैक्ट्री में और सारी अपना लेबर काम करती है उनका कितना शोषण होता है। तो अभी तक ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी आज तक लेबर्स के बारे में जो लॉ और जो उनको संरक्षण देना चाहिए था वो लोग हम नहीं दे पा रहे। मगर धीरे धीरे हमारी सरकार नए नए बिल लाकर, नए नए कानून लाकर उनको और मजबूत कर रही है ताकि उनको संरक्षण मिले, कोई उनको समय से पहले हटा ना सके, उनको पूरी सैलरी मिल सके, कोई डिस्प्यूट हो तो उसमें कोई जो मालिक होता है वो तो लॉयर, अच्छा लॉयर अफोर्ड कर सकता है, कोई लेबर नहीं कर सकता, तो उनका कम समय में उनका सारा कोर्ट से न्याय मिल सके और लेबर को मजबूती मिल सके, ऐसा हम लेके आए कानून। उसी के साथ ही जो किसान बिल है, हम देख रहे हैं कि देश में अगर कहीं विरोध का हमें कहीं बात स्वर दिखाई दे रहा है तो वो पंजाब में दिखाई दे रहा है,
और वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पंजाब में अभी चुनाव है एक साल के बाद में, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को मालूम है कि इस बार उनकी हालत ख़राब है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध को बढ़ाया। और वहाँ पे जो अकाली दल हैं वो वहाँ की अपना मुख्य विपक्ष पार्टी हैं, हमारे ऐसे तो हमारे सहयोगी हैं, मगर अभी उन्होंने भारत सरकार से इस्तीफा दे दिया हरसिमरत जी ने, तो उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ, मैंने खुद तो कभी हल नहीं चलाया, मगर मेरे पिताजी ने हल चलाया, मेरे दादाजी किसान थे, मेरे जो ताऊ जी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, तो मैं जानता हूँ। और मेरे क्षेत्र में बहुत सारा किसान है, बहुत सारे गांव हैं, तो मैं एक बात तो बड़े स्पष्ट रूप से बहुत ही साफ हृदय के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल किसानों के पक्ष में है, ये बिल से किसानों को मजबूती मिलेगी, उनको अपनी फसल का अच्छा दाम मिलेगा, कोई बीच में बिचौलिया नहीं होगा, उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं बढ़ेगा, और जो फसल उनको छोड़ के आ जाने पड़ती थी मंडी में वो भी दशा अब कभी उनको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये किसानों को मजबूत करने का बिल है। अब कोई भी बिल आता है और कोई भी बड़ा रिफॉर्म आता है तो वो कोई 6 महीने 4 महीने के लिए नहीं आता, वो आने वाले पूरे समय के लिए आता है। तो हम देखेंगे आने वाले 2-3 सालों में इस पूरे परिवर्तन को होते हुए देखेंगे। और अभी तो मोदी जी का ये जो हमारा मोदी 2 गवर्नमेंट है उसको भी अभी 3.5 साल से ज़्यादा समय बचा है, उसके बाद में मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि उसके बाद में एक कार्यकाल देश की जनता उनको और देगी। तो इस पूरे समय में मोदी जी इस परिवर्तन को सबको दिखा के जो है दिखाएंगे। पवन जी, यदि आपको दिल्ली में बिहार के लिए आपको यदि आमंत्रण किया जाए कि वहाँ इलेक्शन में आप जाएं, जो कि अनाउंस हो चुका है कि आप जाएंगे, और आप चूंकि किसान हैं तो आप अपनी बात वहाँ के किसानों से बहुत अच्छी तरह रख पाएंगे, रابطہ कायम कर पाएंगे? जो तो पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो भी आदेश देगी वो करना ही है। पार्टी ने पीछे हरियाणा में भेजा था, राजस्थान भेजा था, तो जहाँ पर भी पार्टी हिमाचल में मुझे भेजा था, जहाँ पार्टी भेजती मैं जाता हूँ। तो मैं तो कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने आदेश देना है, हमें तो खाली मानना है उसका।